फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में आज हम पढ़ेंगे काली खांसी। तो काली खांसी क्या है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका रोगजनक है, उसके सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो वीडियो है काफी डीपली होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलो शुरू करते हैं काली खांसी। तो काली खांसी के उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है, क्या आप अन्य किन के नामों से इसको जान सकते हो? तो इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, कुकुर या कुकर खांसी। तो कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते को कहते हैं कुकुर। तो कुत्ते जैसी भौंकने से इसमें आवाज आती है, इसलिए इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं। तो अन्य इसको नाम क्या क्या दे सकते हो आप? कुत्ता खांसी। तो कुत्ता और कुकुर एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो इसका उपनाम या अन्य नाम जो प्रचलित नाम है वह कुकुर या कुकुर, कुकुर या कुत्ता खांसी। और इसको हुपिंग या वूपिंग या वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो इन ये इंग्लिश के वर्ड है, हुपिंग, हुपिंग या हुपिंग कप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गए क्या इसके उपनाम, अन्य नाम जो प्रचलित है। अब आगे देखते हैं इसका रोगजनक, रोगजनक या रोग कारक कि किस रोगजनक के कारण ये होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो उस रोग का नाम है बोर्डे टेला पर्ट्यूसिस, बोर्डे टेला पर्ट्यूसिस जिसका जो रोगजनक है उसका नाम या रोग कारक है, रोगजनक का नाम क्या है, बोर्डे टेला पर्ट्यूसिस इसका रोगजनक का नाम है। इस रोगजनक के कारण यह रोग होता है। अगला प्रभावित अंग, प्रभावित अंग किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होती है हमारी श्वास प्रणाली यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र या श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और प्रारंभ में, प्रारंभिक स्थिति में गला और जो गला होता है और जो नाक होता है वो भी प्रभावित शुरू में होता है, नाक और गला। प्रारंभिक स्थिति में तो संक्रमण जो होता है शुरुआत में वो नाक और गले में होता है और फिर धीरे धीरे पूरे श्वसन प्रणाली में वो फैल जाता है। तो पूरा श्वसन तंत्र इसे इन्फेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये हो गया इसका प्रभावित अंग। अगला रोग का उद्भवन काल कि कितने दिन बाद रोग है वो सामने आ जाते हैं। तो इसमें लगता है लगभग 7 से 17 डेज, लगभग 2-2.5 सप्ताह का समय लगता है। तो इतने में रोग का उद्भवन हो जाता है। नेक्स्ट बात, ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित। और साथ में कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, संक्रामक यानी एक दूसरे में फैलने वाला रोग है। ये आसानी से रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। तो ये संक्रामक और जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज है और काफी घातक है, बहुत आसानी से एक दूसरे में फैल जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बात आती है, ये जो रोग है वो कितने दिन तक मनुष्य को प्रभावित कर सकता है? तो यह रोग लगभग 6 से 7 सप्ताह तक रहता है, कई बार तो यह 100 दिन तक रह सकता है। तो इसको 100 डेज डिजीज भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 6 से 7 सप्ताह तक आदमी को काफी परेशान करता है, मतलब जो रोगी होता है उसको काफी परेशान करता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये रोग वैसे तो हर किसी आयु वर्ग के व्यक्ति में हो जाता है, वैसे कोई बात नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर हम आयु वर्ग की बात करें तो हर किसी में ये हो रहा है रोग, कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, लेकिन खासकर ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। शिशु जो होते हैं उन शिशुओं को ये ज्यादा प्रभावित करता है, और वो भी खासकर कौन, खासकर 2 वर्ष से कम आयु वाले। तो खासकर 2 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको ये ज्यादा प्रभावित करता है। तो शिशुओं में ये घातक होता है, ज्यादा मतलब उनको प्रभावित करता है, और अन्य जो आयु वर्ग है उनमें रोग हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा उनको प्रभावित नहीं करता है। खासकर ये शिशु में पाया जाता है, वो भी कौन से शिशु, 2 वर्ष से कम आयु वाले। और अगर शिशु 6 माह से कम आयु का है तो उसकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। साथ में अगर वैसे तो किसी भी लिंग में हो सकता है, नर या मादा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चियों में यह रोग ज्यादा दिखा गया है। जो मादा होती है, बच्चियां होती है, उनमें यह रोग ज्यादा होता है बच्चों की तुलना में। तो ये हो गया। और बात करें मौसम की, तो वैसे तो ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन फिर भी जो जाड़ा यानी जो सर्दियों का टाइम होता है, और जो आपका वर्षा मौसम होता है, बरसात वाला, बारिश वाला, उसमें ये ज्यादा फैलता है, इसका संक्रमण ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट बात करें तो संक्रमण, हम कह रहे संक्रामक रोग है, तो संक्रमण इसका कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, तो व्यक्तिगत संपर्क यानी रोगी के सीधे हम संपर्क में रहते हैं, उससे हाथ, उनके जो भी कोई सामग्री, उसके वस्त्र, उसके बर्तन, उनके हम काम में लेते हैं, व्यक्तिगत उनके संपर्क में रहते हैं या उनके साथ काफी दिन बिताते हैं, तो रोग का संक्रमण हो सकता है। या खांसने छींकने से इसका संक्रमण हो जाता है, क्योंकि खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आती है उसमें वो बैक्टीरिया होता है और वो हवा में फैल जाता है, और साथ में जो स्वस्थ व्यक्ति बैठा है उसमें उसका संक्रमण हो जाता है, और खासकर बच्चे और बच्चियों में भी ज्यादा, बच्चों में भी खासकर बच्चियां। और मौसम कौन सा, जाड़ा वाला, सर्दी वाला और वर्षा वाला मौसम। तो ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं इस रोग के लक्षण। तो रोग के प्रमुख क्या क्या लक्षण आपको नजर आएंगे, कैसे आप इसको पहचानोगे। वैसे तो नाम से हमको पता चल रहा है काली खांसी है, तो खांसी, लेकिन ये नॉर्मल खांसी से तो ये अलग है, तो खांसी तो इसमें आएगी आएगी, सभी को पता है ये लक्षण तो होने वाला है। तो रोग के प्रमुख लक्षण या बहुत सारे लक्षण हमको देखने में मिलेंगे। देखो इसके लक्षण भी 3 चरणों में प्रकट होते हैं। पहले नॉर्मल से लक्षण होते हैं, खांसी वगैरह भी कम होती है, बच्चा भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, फिर वो तीव्रता बढ़ती जाती है, रात को भी बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाती है, फिर बलगम भी आने लग जाता है, खून भी आने लग जाता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है खांसी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और चेहरा लाल पड़ जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, तो अलग अलग स्टेज में होता है, फिर इसकी तीव्रता कम हो जाती है। समय रहता है अगर इसका इलाज करा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका टीका भी उपलब्ध है, और समस्या गंभीर होगी तो मृत्यु भी हो सकती है। तो चलो देखते हैं लक्षण क्या है। तो शुरुआत में तो क्या होते हैं, नॉर्मली खांसी जो हमारे जुकाम बुखार से जो लक्षण होते हैं, जुकाम वाले वो लक्षण होते हैं कि भाई नाक बहने लग गया, आंखें नम रहने लग गई, थकान हो रही है, बुखार हो रही है हल्की सी, तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। तो क्या होता है इसमें, तीव्र जुकाम होती है और हल्का बुखार। तो हल्का सा बुखार रहता है, और तीव्र जुकाम का मतलब है कि शरीर में थकान रहना, पूरे शरीर जोड़ों में वगैरह में दर्द रहना, या नाक लगातार बहते रहना, नाक का बंद हो जाना, नाक का भारीपन होना, छींके आना, खांसी आना, ये नॉर्मल से सिम्टम्स आते हैं। फिर क्या होता है, तीव्रता लगातार बढ़ती जाती है। तो पहला लक्षण ये हो गया, तीव्र जुकाम और हल्का बुखार। नेक्स्ट लक्षण क्या आता है, जो रोगी होता है उसको खांसी आती है, और खांसी इसका मेन सिम्टम्स है, इसका लक्षण है। खांसी काफी गंभीर होती है, बहुत ज्यादा गंभीर होती है, एंड दीर्घकालीन होती है,
यानी लंबे समय तक ये रहती है, 100 डेज तक ये रह सकती है। तो खांसी काफी गंभीर होती है, दीर्घकालीन होती है। साथ में खांसी से जुड़ी हम कई बातें देखेंगे। खांसी शुरुआत में तो कम आती है, नॉर्मल से आती है, फिर इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिन की बजाय रात्रि में ज्यादा खांसी आती है। तो रात्रि में इतनी ज्यादा खांसी आती है कि जो बच्चा होता है वो सो नहीं पाता है, उसको उठना पड़ जाता है। और इतनी ज्यादा खांसी आती है कि चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखें बाहर निकल आती है और आंखें लाल हो जाती है, तो उसका दम घुटने लगता है, बेचैनी होती है और रुक रुक कर कई बार सांसें भी रुक जाती है, उसकी श्वसन दर जो है वो घट जाती बढ़ जाती है, मतलब सांसें दम घुटने लगता है उसका। साथ में नाक का बहना, नाक बहता रहता है लगातार, नाक से पानी टपकता रहता है, शुरुआत में थोड़े कम बहता है और फिर ये बहुत ज्यादा बहने लग जाता है। और नाक का बंद होना, नाक बंद हो जाता है और नाक भारीपन हो जाता है, नाक में नाक भारी हो जाता है बंद होने से। नेक्स्ट, लगातार आंखें नम रहती है, आंखों का नम रहना, यानी आंखों से क्या निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, आंखों से पानी निकलता रहता है, जो आंसू वगैरह होते हैं, जो नमी जो होती है आंखों, लगातार पानी के रूप में बाहर निकलता रहता है। नेक्स्ट बात करें तो जो रोगी है उसको क्या रहती है, थकान रहती है, वो थका थका सा रहता है और उसको ठंड लगती है, ठंड लगना, अन्य व्यक्ति की तुलना में वो शिकायत करेगा कि मुझे क्या लग रही है, ठंड लग रही है। साथ में कंपकपी बनी रहती है और बेचैनी होती रहती है उसको। नेक्स्ट क्या सिम्टम्स नजर आएंगे कि लगातार खांसी जो आ रही है वो दम घोटने वाली सी होती है, खांसी का ऐसे दौरे से पड़ते हैं, और ये खांसी हम इसको कुकर खांसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हु या हुप हुप की आवाज आती है, जैसे कुत्ता जो भौंकता है या रोता है ना, हु, तो जो भौंकने की सी जो आवाज आती है वो इसी में आती है, इसलिए इसको कुत्ता खांसी कह रहे हैं। कुत्ते की तरह व्यक्ति जो है वो रोता है, रोता क्या, खांसी आती है तो ऐसी आवाजें निकलती है, एपिग्लोटिस इससे प्रभावित होता है, जिससे हु कुत्ते भौंकने जैसी आवाजें निकलना प्रारंभ हो जाती है। और जो खांसी है वो सूखी होती है, शुरुआत में जो खांसी होती है वो कैसी होती है, सूखी होती है, लेकिन गंभीर स्थिति में होने में खांसी के साथ बलगम भी आने लग जाता है और ज्यादा गंभीर होने से उसमें खून भी आने लग जाता है, क्योंकि बलगम वगैरह जम जाता है और उसको फेफड़े बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इससे खांसी के दौरे पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ समय के लिए श्वास रुक जाता है। तो कई बार जब खांसी बहुत ज्यादा आती है तो जो रोगी उसका श्वास कुछ पल के लिए रुक जाता है अस्थायी तौर पर, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं, भूख में कमी। और कई बार क्या होता है, इससे भूख में कमी होने से क्या हो जाता है, व्यक्ति का वेट लॉस हो जाता है, यानी वजन में कमी। अब देखो नॉर्मली जो कुकर खांसी है तो ज्यादा हम जोर कुकर खांसी पर देंगे, तो यहाँ देखो शुरुआत में सूखी खांसी आ रही है, फिर बलगम वाली खांसी आ रही है, फिर उसके साथ खून भी आ रहा है, साथ में खांसी इतनी ज्यादा और इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति का जो है वो सांसें फूल जाती है, दम घुट जाता है, कुछ समय के लिए सांसें रुक सी जाती है, अस्थिर हो जाती है। और इतने ज्यादा खांसी आने से क्या होता है, लगातार खांसी आने से चेहरा लाल पड़ जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, और जो मतलब रात्रि को ज्यादा खांसी आती है तो व्यक्ति सो भी नहीं पाता है, दिन में भी आती है ऐसी बात नहीं है, दौरे से पड़ते हैं, एक बार खांसी शुरुआत होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं काफी समय तक, और वो व्यक्ति काफी परेशान सा हो जाएगा, वो एकदम डिप्रेशन में से चला जाएगा। तो
वो भी एक कारण होता है व्यक्ति में यह सोचता है कि मेरे साथ एक क्या हो रहा है, मैं कौन सी सजा भोग रहा हूँ, मतलब इतना खतरनाक होता है। जब कभी जटिलताएं बढ़ जाती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो क्या होता है, या अगर हम बर्डों की बात करें तो उनकी जो पसलियां होती है वो छिल जाती है, अंदर से टूट जाती है पसलियां, और एब्डोमिनल हर्निया हो जाता है, यानी जो पेट की जो मांसपेशियां होती है वो खिसक जाती है, इधर उधर हो जाती है, क्योंकि खांसी आती है तो काफी जोर लगाना पड़ता है, तो पेट की मांसपेशियां में खिंचाव आ जाता है, वो खिसक जाती है, और नाक से खून आने लग जाता है, और दम घुटने लग जाता है, सांसें फूल सी जाती है, और बच्चों की बात करें तो बच्चों में निमोनिया हो सकता है, कई बार तो ज्यादा खांसी आने से चेहरा लाल होने से, आंखें लाल होने से, आंखों की जो धमनियां होती है सिराए वो तक फट जाती है, दिमाग को क्षति हो सकती है, और गुर्दे खराब हो सकते हैं, कपकपी हो सकती है शरीर में, कपकपी वाली खांसी हो सकती है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद ऐसी स्थितियां हो जाती है, और समय रहते अगर ध्यान दे दिया तो इसका इलाज भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लक्षणों से हम इसको पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे इसका लास्ट टाइम क्या इलाज क्या है। तो इलाज के लिए जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके जो शुरुआत के टाइम होते हैं उनमें कुछ टिक्के लगाए जाते हैं। एक टिक्का लगता है कौन सा, DPT। DPT का टिक्का लगवा लेना चाहिए शुरुआत में, और फिर वो बूस्टर डोज भी लगते हैं कई साल बाद में, ताकि वो भविष्य में रोग कभी ना हो। डीपीटी का मतलब होता है, इसका तो मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और इसका मतलब होता है ये आपका पर्ट्यूसिस, जो अभी हम बात कर रहे थे वो वाला पर्ट्यूसिस, यानी इसी का काली खांसी वाला। और टीका मतलब होता है टिटेनियस, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, यानी काली खांसी का जो रोगजनक है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, तो इसका टीका मतलब ये टी एन टिटनेस है, डी एन डिप्थीरिया है। तो ये तीनों का डोज जो टीका है वो लगता है सामूहिक रूप से, तो ये लगा लेंगे तो इसके दो भी जिस अंतराल में टीके लगते हैं तो बहुत से में रोग होने की संभावना कम हो जाती है, और होते हैं तो इसके जो है ज्यादा गंभीर नहीं हो पाता है। तो ये है काली खांसी, तो इसमें खांसी का मेन है बात, खांसी बहुत ज्यादा व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है कि उसके पूरे शरीर को वो अस्त व्यस्त कर देती है, और वो भी लंबे समय तक रहती है, नॉर्मल खांसी ज्यादा समय तक नहीं रहती है, और उसमें खून वगैरह आना या बलगम आना या ये मतलब कुत्ते जैसी भौंकने से आवाजें वगैरह नहीं आती है। तो ये है हमारी काली खांसी। धन्यवाद।